अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, और जल्द ही हम इसका यहाँ इस यूनिवर्सिटी का कार्य यहाँ शुरू किया जाएगा। ये सुंदरनगर क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक विशेष उपलब्धि और यहाँ के लिए एक सौगात होगी। मंडी जिला के सुंदरनगर के बलग रोपड़ी में 129 बीघे जमीन पर अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की FCA की मंजूरी लिए प्रक्रिया शुरू होने पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सोहनलाल ठाकुर ने खुशी जताई है। उन्होंने इस भूमि के चयन के लिए CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के जरिए कई नए अनुसंधान होंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जगह चिन्हित कराई, पहले जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जो जगह चिन्हित हुई थी वो पिछले साल जो फ्लैश फ्लड्स हुए उसमें वो जगह बह गई, काफ़ी जगह बह गई थी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी वाले और प्रशासन जगह की तलाश कर रहे थे, तो मैंने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के दो तीन जगहों की जगह के लिए उनको सजेस्ट किया कि ये भी जगह यहाँ उपलब्ध हैं और यदि वो आपके पैमाने पे ठीक बैठती हैं तो सुंदरनगर में ये जगह उपलब्ध है, आप इनके बारे में देखिए। और विभाग ने दो तीन जगह देखने के बाद हमारे फाइनली बलग रोपड़ी के साथ ही गांव जो लगता है उसमें करीब 129 बीघा की जगह गवर्नमेंट जगह को उन्होंने चिन्हित किया और वो उनके उपयोग के लिए ठीक पाई गई। उसके बाद हमने CM साहब को ये आग्रह किया कि विभाग ने ये जगह चिन्हित की है और आप विभाग को निर्देश करें कि इस जगह के बारे में फाइनल करें और इस यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ बने, और फाइनली ये अब जगह चिन्हित कर ली गई। मैं CM साहब का, मान्य ठाकुर सुखविंदर सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस जगह की अप्रूवल दे दी है और जल्द ही इसकी FCA जो प्रक्रिया है आगे वो शुरू होगी और जल्द ही हम इसका यहाँ इस यूनिवर्सिटी का कार्य यहाँ शुरू किया जाएगा। ये सुंदरनगर क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक विशेष उपलब्धि और यहाँ के लिए एक सौगात होगी, जहाँ हमें स्टेट का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे सुंदरनगर में है, डायरेक्टरेट ऑफिस यहाँ है, तो ये एक अच्छी एजुकेशनल हब के रूप में हमारा पहले भी प्रयास रहा है कि इसको विकसित किया जाए ताकि प्रदेश के लोगों को एक ही जगह सारी फैसिलिटीज़ मिले। तो मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।